अभी तू तू अकेला ही नहीं ना, बाकी है, सबने ना लिया सबने, मतलब कौन नहीं, दादा बाकी है अभी, दादा का भी गरम कर लेना। हैप्पी बर्थडे, थैंक यू। जसपाल भाई भी उठ गए हैं, हैप्पी बर्थडे लता भाभी, थैंक यू। और ये यहाँ पे क्या कर रहा है? सो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो आज है मम्मी का बर्थडे, हैप्पी बर्थडे मम्मी, थैंक यू। आज ये खेल रहा है हमारे घर पे और हम लोग अभी चाय पी रहे हैं। देखिए चाय नाश्ता हो गया है, इधर मेरे साथ एक मेहमान भी था, छोटा मेहमान खाने, वो भी चाय पीने बैठ गया है। देखिए गाइस, दादा भी चाय पीने बैठ गए हैं। और अभी आज तो मेरा बर्थडे है, लेकिन ध्रुवी और उसके पापा तो है नहीं, पता नहीं आज आएंगे कि नहीं। यहाँ तो बर्तन वर्तन हो रहे हैं और बच्चे वहाँ पर खेल रहे हैं। शिल्पा तो अभी कपड़े सुखा रही है। आज बर्थडे है तो चलिए चिड़िया को रोटी का चूरा खिला देते हैं। चलियो मीर भाई, मीर आ जाओ। देखो शिल्पा ने तो कपड़े सुखा लिए और यहाँ पे मिहिर पानी गर्म कर रहा है। तो गाइज आप देख सकते हो कि अभी पानी आए तो सब लोग अपने घर पे काम कर रहे हैं। जहाँ देखो कपड़े धुले जा रहे हैं, और मेरे तो देखो ये कपड़े सब मेरे, ये मेरे, मेरे तो सारे कपड़े पहले धुल गए। तो गाइज अभी दादा तो नीचे बैठे हैं, तो हम माथा ओढ़ने ढाबे में जा रहे हैं। तो चलिए हमारे साथ, हम सुबह का नज़ारा दिखाते हैं आपको। और मेरे साथ कौन आ रहा है? ये दोनों भाई मेरे साथ आ रहे हैं। मीर तो अभी पानी गर्म कर रहा है। देखिए घर का प्लास्टर हो गया हमारे बाजू वाले। तो अभी फाइनली हम ढाबे पे आ गए हैं। देखिए हमारा घर, मॉर्निंग में छत पे बहुत मजा आता है, देख सकते हो यहाँ का नजारा भी बहुत अच्छा है। और यहाँ का भी देखो, ये दो टाबर ये भी मेरे साथ आ गए हैं ढाबे पे। अभी गाइस माथा ओढ़ने भी छत पे आना पड़ रहा है। देखिए नीचे सब बड़े लोग बैठे होते हैं, तो हम वहाँ पर नहीं खुले माथे फर सकते हैं। तो हम अभी ऊपर आ गए हैं और देखिए कितना नजारा भी देखने को मिलेगा। और मेरे ब्लॉग में बने रहना, फुल ब्लॉग देखना, जिससे मुझे सपोर्ट मिलेगा। और आप देख सकते हो मुझे तो यहाँ पे आना बहुत ही अच्छा लगता है, पूरा नेचुरल सीन दिखाई देता है। देखिए, और ये देखो ये दोनों तो काम पे लग गए। क्या कर रहा है मितुल, कड़िया काम कर रहा है क्या? देखो क्या कर रहा है, अभी से सीख रहा है। अरे बड़े होकर ऑफिसर बनना है, ऐसे नहीं करना है। देखो कैसे कर रहा है। मितुल मितुल नहीं, मत ऐसा मत कर। बोल रहा है गाड़ी उपड़ी। तो गाइस अपना काम तो हो गया, चलिए अभी नीचे चलते हैं। मितुल संभाल के जाओ, ले मेरा हाथ पकड़ ले। देखिए तो चलिए फटाफट से नीचे चलते हैं। और मीर का पानी भी गर्म कर दिया होगा मीर ने, तो उसे पानी दे देती हूँ। और यहाँ देखिए कुत्ते के बच्चे। तो चलिए अभी हम नीचे आ गए हैं और दादा अभी शेविंग कर रहे हैं। मिहिर हो गया, देखिए मिहिर अभी पानी गर्म कर रहा है, नहा लेना, हो गया मिहिर। नहीं हुआ, नहीं हुआ। हैप्पी बर्थडे वंस अगेन, थैंक यू।
ये मुझे कल से 5 से 6 बार हैप्पी बर्थडे बोल चुका है। मीर के पापा और ध्रुवी ने तो रात के 12 बजे मुझे विश किया था, मीर ने रात के 3 बजे मुझे विश किया था। मैं उठा था पानी पीने, तब पानी पीने उठा था ना, तो तुझे कैसे पता चला मम्मी का बर्थडे है? तो सबको पता होता है। सो गाइस, आज तो मम्मी का बर्थडे था और हमारे इधर 110 साल के हमारे एक दादा के अंकल रहते थे, उनकी अभी डेथ हो चुकी है, इसलिए आज बर्थडे सेलिब्रेशन कैंसिल हुए। आज किसी और दिन करेंगे। वो बहुत मतलब 110 साल के थे, मेरे दादा के अंकल थे, वो भी चले गए। और अभी तो मैं बैठना कर रही हूँ, बैठना करने जा रहे हैं हम। अभी आप देख सकते हैं ये गेहूं, और मम्मी तो घंटी पे जाएगी। तू आएगा ना? ना मैं तो घर पे हूँ। अरे चलो चलो। तो गाइज अभी हम छत पे आ गए हैं, शाम का नजारा देख सकते हैं। और मीर देखो क्या कर रहा है, क्या कर रहा है मीर? क्या इसको जला रहा हूं। और इसके पापा भी छत पर आ गए। देखिए सनसेट है, लेकिन सनसेट दिखाई नहीं दे रहा है अभी। तो गाइज अभी हम नीचे जा रहे हैं, अभी घंटी पे जाना है दहना रखने के लिए, तो चलिए चलते हैं। गाइस मम्मी तो अभी दहना धरने जा रही है घंटी पे, बाइक ले लिया है पापा ने, अरविंद काका का बाइक है। तुम्हें आना है मीर? नहीं मैं तो घर पे रहता हूँ, बोल चलो, चलो। नहीं नहीं अब जाते हैं, लो फोन अपना है? फोन ले लो। मम्मी तो अभी बैठ गई है, लो मम्मी फोन। चलिए चल। तो गाइज अभी मैं यहाँ पे घंटी पे आ गई हूँ दहना दड़ाने। ये नूरा भाई की घंटी है, घर पे तो घंटी होती है तो घर पे दड़ लेते हैं, और यहाँ पे गांव में आना पड़ता है दड़ने के लिए। गाइज ये देखो, वहाँ सामने महादेव जी का मंदिर है जहाँ पे हम हवन में बैठे थे, और ये देखिए गांव है। ये देखिए हमारे गांव का बोर्ड लगाया हुआ है, और आगे देखिए वो दरगाह है, और ये डेरी है, गांव की डेरी। देखिए ये दरगाह है। गांव का रास्ता है घर जाने का। ये देखिए हमारे गांव का रास्ता। ये मंदिर आ गया। हवे तमार जमवानू बनी क्यों? चालू है। अभी रसोई कर रही है, ये तो अभी शिल्पा मग की दाल बना रही है, मूंग की दाल। तो अभी ऑयल रखा है, उसमें जीरा, रई और जीरा मिक्स डालेंगे, वगार करेंगे। अभी राई और जीरा का वगार कर दिया है। देखो ये मेरे को हैप्पी बर्थडे बोल रहे हैं, लेकिन वरसंग बाने पार्टी करा दी। उनकी डेट हो गई तो मेरी पार्टी अधूरी रह गई। अभी देखिए मीर चौर, इसने मिर्च का वगार किया है, लहसुन और मिर्च का। और उनके मम्मी खेत में से आ गए हैं, मुझे नहीं ले जाना, मुझे ले जाना कल, ले जाना मुझे कभी। क्या था पर ना यार, मुझे अच्छा वो और से ज्यादा पैसे दे रहा। देखिए अभी मसाले, धाणा जीरू मिर्ची और हल्दी तीन ले लिया है।
और नमक। अभी मसाले ऐड कर दिए हैं। सीधे ही दाल ये से बनाई जाती है और अंदर पानी डाला। देखिए अभी मक की दाल ऐड कर दी है। अभी उसमें पानी ऐड कर देंगे। अभी दाल को 2-3 सीटी लगा देंगे तो दाल रेडी हो जाएगी। शिल्पा के हाथ की दाल रेडी हो गई है। चलिए तो मैं चलती हूँ घर पर। बाय बाय। नहीं अभी जाना है। चलिए तो अभी मेरा भी कुकिंग बाकी है तो मैं घर चलती हूँ। शाम हो गई है और मुझे भी सब्जी रोटी बनानी है और काका के वहाँ भी खाना भिजवाना है तो फटाफट से अभी कुकिंग कर लेती हूँ। यहाँ तो दादा और उसके पापा सब बैठे हैं, मीर खेल रहा है। गाइस अभी मैंने कुकिंग स्टार्ट कर दी है और रसोई में आज मैं बना रही हूँ, देखिए खिचड़ी भिगो के रखी है, मसाले वाली खिचड़ी बनानी है और आलू प्याज की सब्जी बनाई है तो उसमें अभी पानी ऐड कर दूंगी और रस्सा वाली सब्जी बनाऊंगी। देखिए और ये खिचड़ी है उसमें हम हल्दी और नमक मिला के थोड़ी देर रख के इसे वगारेंगे और आटा मैंने रेडी कर लिया है क्योंकि वहां पे भी खाना देने जाना है तो मैं सब रेडी कर लेती हूँ। बाद में अंकल के घर खाना देने जाना पड़ेगा, उनके घर मौत हुई है इसलिए। अभी खिचड़ी और सब्जी रेडी हो रही है। मीर को तो अभी भूख लगी है तो क्या खा रहा है? मोहनथाल खा रहा है। नहीं भात पड़े? भात नहीं है, सुबह को तो खाया था। अभी तो मस्त खिचड़ी वगैरह और सब्जी हो रही है, थोड़े भी भात नहीं है। तो तेरे पूरे दिन अच्छी सब्जी और रोटी खाई है। मॉर्निंग भी तेरा फेवरेट था, अभी शाम को भी तेरा। तो क्या आपके पास वो है राइस? राइस भी नहीं, खिचड़ी है ना, खिचड़ी खा ले। ठीक है। अभी तो मम्मी काका के घर खाना देने जा रही है। बहुत गर्म है, मैं जाके आती हूँ। ठीक है। तो गाइस अभी हम लोग खाना खाने बैठ गए हैं और खाने में देखिए खिचड़ी और क्या आलू की सब्जी। तुझे पसंद है ना? हाँ तो खा दो। तो गाइस अभी तो रात हो चुकी है और जो लोग हमारे चैनल को देख रहे हैं हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर से करें। और आज के ब्लॉग में इतना ही, छोटा सा ब्लॉग था आज का, आज टाइम ही नहीं मिला तो आज के ब्लॉग में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय ब्लॉग। बाय।